हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवार्थी किचन। फ्रेंड्स, जितनी ये टेस्टी देखने में लग रही है उतनी ही खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। ये 5 से 10 मिनट में बिल्कुल बनकर तैयार हो जाती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने यहाँ लगभग आधा बाउल दही लिया है। सबसे पहले हम दही को बिस्कर से अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच काला नमक पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच सफ़ेद नमक, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स, इसमें 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर डालेंगे। हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसे ढककर हम साइड हटा देंगे। अब इस रेसिपी की सबसे खास चीज़ आलू के छिलके उतार लेंगे। फिर मैंने आलू के छिलके निकाल लिए हैं। हम इसे गोल शेप में काट लेंगे। नवरात्र आ रहे हैं, इस रेसिपी को आप नवरात्र में भी ट्राई कर सकते हैं। बस उसमें काला नमक नहीं ऐड करेंगे, उसकी जगह पे हम सेंधा नमक का यूज़ कर लेंगे। अब हम दही में आलू को मिक्स करेंगे। साथ ही मैंने 1 अनार का दाना भी इसमें मिक्स किया है। धनिया पत्ती को हम अच्छे से बारीक काट कर उसे भी ऐड कर देंगे। इसमें हम अच्छे से मिक्स करके साइड हटा देंगे। अब हम इसमें छौंकने की तैयारी करेंगे। यहाँ पे मैंने घी को गर्म कर लिया है और उसके बाद मैंने 1 चम्मच जीरा को डाला है, 2 पिंच हींग को भी डाला है। जब ये अच्छे से लाल हो जाए तब हम दही का छौंका लगा देंगे। तब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तब हम इसकी गार्निश कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ लाल मिर्च पाउडर, थोड़े से धनिया पत्ता और थोड़े से अनार के दाने को ऊपर से ऐड किया है। हाँ, हमारे चटपटे से दही आलू बनकर तैयार हो गए हैं। जब तक आप इसे ट्राई नहीं करेंगे, बनाकर खाएंगे नहीं, तब तक आप इसकी खासियत नहीं जान सकते। ये बहुत ही टेस्टी है। जब आप ये किसी को बनाकर खिलाएंगे तो वो सचमुच आपके इस रेसिपी के फैन हो जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको 5 से 10 मिनट में बनने वाली रेसिपी बना कर दूँ तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।